नर्सरी आज की मैथ्स की क्लास में हम लोगों की काउंटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है ना, 1 to 50। तो आई होप कि सभी बच्चों को आती है। अब हमारी ये जो क्लास है इसमें मैं वर्ड कम्स आफ्टर आपको समझा रही हूँ। वर्ड कम्स आफ्टर क्या होता है बेटा? बाद में आने वाले नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है। 5 के बाद 6 आता है और 7 के बाद 8 आता है। तो ये हमारे आफ्टर नंबर्स होते हैं, यानी बाद में आने वाले नंबर्स, ठीक है। तो ये वर्ड कम्स आफ्टर है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि एग्जाम में आने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4 के बाद क्या आता है बेटा? 5 आएगा ना, और 8 के बाद क्या आएगा? 9 आएगा। 6 के बाद क्या आता है? 7 आता है, और 5 के बाद क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, और 9 के बाद क्या आता है? 10। तो आफ्टर नंबर्स हमेशा बाद में आने वाले नंबर्स को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये है काउंट एंड राइट। बेटा ये सारा मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा, फिर आप बोलोगे मैम ने नहीं कराया। अब देखिए आपको यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स बना रखे, इनको काउंट करके सामने नंबर्स लिखने, इसको हम बोलते हैं काउंट एंड राइट, ठीक है। जैसे बॉल बना रखे मैंने यहाँ पे, तो इसको काउंट कीजिए 1 2, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 2। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, नेक्स्ट पिक्चर तो यहाँ पे 4 आया। इसी तरीके से ट्रीज को काउंट कीजिए 1 2 3, तो कितने हैं इसका नंबर ऑफ ट्रीज? 3। और ये कप को काउंट कीजिए आप 1 2 3 4 5, तो ये 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? काउंट एंड राइट। और इसके बाद कैट, ये क्या है? 1। तो ये क्या था हमारा? काउंट एंड राइट था। तो ध्यान रखिएगा बेटा, है ना। और इसी तरीके से मैं आपको एक और समझा रही हूँ। बेटे सर्कल द करेक्ट नंबर है, ठीक है। इसमें भी हमने क्या करना है? जो हमारी पिक्चर्स है उनको काउंट करना है, और जो मैंने आपको इस एक ही क्वेश्चन के 3-3 ऑप्शन दे रखे, इसमें जो सही नंबर है उसको आप क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। तो सर्कल के काउंट कीजिए 1 2 3, तो 3 कहाँ लिखा है इसमें? यहाँ पर, तो हम 3 को सर्कल करेंगे। अब इसको काउंट कीजिए ट्राइंगल को 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो 5 कहाँ पर है हमारा? यहाँ पर है, तो 5 में सर्कल करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कब इसको काउंट करेंगे 1 2, तो 2 कहाँ पर है? यहाँ पर, हमने इसको सर्कल कर दिया। और यहाँ ट्रीज को काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो 4 कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो हमने इसको काउंट कर सर्कल कर दिया। और लास्ट में देखिए कैंडल है, इसको काउंट कीजिए 1 2, तो हमने 2 को सर्कल कर दिया। तो नर्सरी मैं सिर्फ आपको इसलिए करा रही हूँ, आपका क्या है बेटा? रिविजन वर्क में हो जाएगा, एग्जाम में इसी तरीके से आना है, ध्यान दीजिएगा।